अभी हाथरस की घटना ठंडी भी नहीं पड़ी कि जियनपुर के नौसहरा में नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म। जियनपुर कोतवाली के नौसहरा निवासी एक युवक द्वारा 8 वर्षीय बच्ची को बहला फुसला कर घर से 1.5 किलोमीटर दूर अपने टेंट की दुकान में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया गया। खून से लथपथ जब बच्ची घर पहुंची तो परिजन उसकी हालत देखकर हक्का बक्का रह गए। बालिका के दादा ने जियनपुर कोतवाली पहुंचकर पड़ोस के ही दानिश पुत्र फखरुद्दीन 20 वर्ष के खिलाफ थाने में तहरीर दी। पुलिस ने पास्को एक्ट सहित संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपी को मुबारकपुर तिराहे के पास एक क्लिनिक से गिरफ्तार कर लिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार दानिश पुत्र फखरुद्दीन ने बगल की ही नाबालिग बच्ची को बहला फुसला कर अपने टेंट की दुकान में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया और धमकी देते हुए वहां से आकर खुद एक अस्पताल में भर्ती हो गया। दादा की तहरीर पर जियनपुर कोतवाल नंद कुमार तिवारी ने हमराहियों के साथ पहुंचकर उसे अस्पताल से गिरफ्तार कर लिया। देर रात मौके पर पहुंचे पुलिस अधीक्षक ने परिजनों को ढांढस बढ़ाया और कहा कि आपके साथ न्याय हो गया। वहीं बालिका का इलाज जिला महिला अस्पताल में चल रहा है। आज थाना जियनपुर के क्षेत्र के एक गांव में एक नाबालिग बालिका के साथ दुराचार होने की घटना सूचना प्राप्त हुई थी। उस पर तत्काल मुकदमा पंजीकृत किया गया और पुलिस द्वारा जो अभियुक्त था उसे गिरफ्तार किया गया है। ये अभियुक्त उसके घर के सामने रहने वाला है तथा उसका इसके घर पर आना जाना था और उसके घर से काफ़ी निकट के संबंध उस नवयुवक के थे। अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है तथा जो बालिका है उसका मेडिकल कराया जा रहा है और शेष कार्रवाई की जा रही है। इस बच्ची के साथ क्या हुआ? बच्ची उसके घर खेल रही थी, लिया कर गया कि चलो हम तुम्हें घुमा दूँ। किसके घर? वो लड़का बाजू में था, पड़ोस का लड़का है। हाँ, पड़ोस का है। इसी से कहा, हमें मालूम नहीं था। कौन सा गांव है आपका? इसको लिया कर चला गया, फिर लेके आया इसके, फिर कहा कि इस अपने घर इसके रह दिया, फिर आया कहा कि इसका कपड़ा दो पहनाने के लिए, नहाई नहाएगी तो उन कपड़ा दे दिए। फिर 1 घंटा के बाद आई बस पूरा ये सब कौन सी।